नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशी बख्शेदा। सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह होता है। देवों की सभा में बुध को राजकुमार कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में बुध का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसे एक शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में या फिर अशुभकारी ग्रह के संगम से ये हानिकारक भी हो जाता है। कुंडली में बुध की स्थिति तय करती है कि आप कैसा बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, आपका व्यक्तित्व और बुद्धि कैसी है। आज आपकी कुंडली में बुध की स्थिति के बारे में बात करेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही और कौन कौन से विषय होंगे अब ये जान लेते हैं। बुध ग्रह का आपकी बुद्धि से क्या कनेक्शन है? सेहत और सुंदरता बढ़ाने वाले बुध के अचूक उपाय। कुंडली में बुध की महादशा के प्रभाव और उपाय की बात। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल जानेंगे। तो शो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा आप अपने सवाल कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके और आपको कहां मिलेंगे। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज भाग्य का अच्छा साथ प्राप्त होगा, मन में एक नया उत्साह और जोश दिखाई देगा, परिवार का सुख भी उत्तम स्तर पर प्राप्त होगा, परंतु वाहन के प्रति थोड़ी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। वृषभ राशि के बच्चों के लिए तो आज दिन अच्छा है, यानी कि लिखाई पढ़ाई के लिए अच्छा दिन है, परंतु बाकी लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। अगर क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो किसी भी तरह की समस्या का सामना भी करना पड़ेगा, आरोप भी लग सकता है। इसीलिए हो सके तो सुबह सवेरे भोलेनाथ पे थोड़ा सा जल चढ़ाकर तब दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेंगे, कामकाज में भी आपको सफलता मिलेगी, आपके द्वारा यात्राएं भी हो सकती हैं और आपके स्वभाव में आज काफी गंभीरता और एकाग्रता की झलक देखने को मिलेगी। तो यानी कुल मिलाकर के दिन काफी उत्तम रहेगा। गुरुदेव, शो की शुरुआत करते हैं, बुध की आज हम बात कर रहे हैं, बुध का हमारी बुद्धि से भी कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है राजी। अभी तुमने कहा ना कि बुध देव को राजकुमार की उपाधि मिली हुई है, और वो क्यों, और सूर्य के सबसे नजदीक भी हैं, ये भी बात सत्य है। सूर्य अगर हमारा पूरा शरीर है तो बुध हमारी बुद्धि, हमारी नसें, ये सब कुछ ही बुध है। और अगर हमारे शरीर की नसें अच्छी ना हो तो पूरे का पूरा हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर ही बेकार है। और अगर बुद्धि अच्छी नहीं तो फिर सारा शरीर चाहे जितना मर्जी अच्छा हो वो किसी काम का नहीं। और यही कारण की वजह से इसको राजकुमार कहा गया है, क्योंकि अगर हम राजा देखें तो वो सूर्य है, यानी कि पूरा शरीर है, लेकिन इसका राजकुमार यानी कि इसका खास जो मंत्री, अगर वही ढंग का ना हो तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है। और इसीलिए जिस इंसान की जन्म कुंडली के अंदर बुध खराबी पे आ गया उसकी पहचान क्या क्या होगी। सबसे पहले उसकी बुद्धि बहुत अव्वल दर्जे की हो ये हो नहीं सकता, उसके अंदर धैर्य की कमी हो जाती है, उसके जो शरीर भी होता है वो पूरी तरह से उसका साथ नहीं देता, और नसों की कमजोरी की वजह से इंसान जिंदगी के अंदर कोई भी काम पूरी ज्यादा देर तक नहीं कर पाता, या फिर ऐसी अवस्था आ जाती है कि जिसमें बेकार के काम वो लगातार कर पा सकता है। जितने लोगों को जिंदगी के अंदर डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है
जो पहले बहुत समझदार और अच्छे नजर आते हैं लेकिन बाद में बड़े होने के बाद उनकी काबिलियत उल्टा गिरती चले जाती है और वो किसी काम में सक्सेस नहीं होते या डिप्रेशन में चले जाते हैं। बेटा इन लोगों का खास तौर पे बुध खराब होता है, क्योंकि जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और बुध का मेल किसी भी अवस्था के अंदर बन जाए या तो आदमी बहुत ही कामयाब होता है, बहुत डेडिकेट होता है अपने कामों के लिए, या फिर काम ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में होता है और एक सोच उसके दिमाग में अगर किसी चीज के प्रति बन गई और वो नेगेटिव बन गई तो वो उसको भी बड़ी शिद्दत से निभाता है और उस सोच से बाहर नहीं जा पाता। ये बुध की खासियत है। और बुध अकेला हो जन्म कुंडली में, अच्छे ग्रहों की दृष्टि के साथ में हो, अच्छे घर में हो, तो इंसान टॉप का व्यापारी बनता है, टॉप का एडवाइजर बनता है, हर किसी के साथ मिलनसारी उसकी बहुत अच्छी होती है और इंसान देखने में सुंदर अच्छा भले ही ना लगे लेकिन दिमाग का अच्छा और सुंदर वो बहुत होता है। और ऐसा इंसान जिंदगी के अंदर जिस स्तर पे पैदा हुआ है उस वक्त जितनी जो समृद्धि हो उससे कहीं ज्यादा समृद्धि वो अपने जीवन में अर्जित करता है और समाज के अंदर भी अपना एक अच्छा नाम बनाकर चलता है। बुध जिनके अच्छे होते हैं बेटा, उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत होती है कि जैसा इंसान सामने खड़ा हो वो उसी तरह की बात करता है और मीठा बनके वाक्पटुता के साथ में अपने काम निकलवाने वो बखूबी जानता है। इसको बोलते हैं अच्छा बुध। और ये अच्छे बुध वाले, वो बात ठीक है कि बहुत पतले नहीं रह पाते, थोड़े से मोटे और बेडोल से तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन इनका दिमाग बहुत सक्षम होता है। और बुध अगर खराब हो जाए तो जितनी तरह की बीमारियों का आप नाम लो उतनी शरीर में हो सकती है। कहने का मतलब जिन लोगों को अल्सर जैसी मुसीबत हो जाती है, पेट के अंदर जख्म हो जाते हैं, जिनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम एक्सट्रीम तक पहुंचती है, जिन लोगों की नसें डैमेज होने लगती है, एक तेजाब ऐसा बनता है जो धीरे धीरे करके नसों को खाता चला जाता है, बेटा इन सबका बुध बहुत खराब होता है। और बुध अकेला ही अच्छा जब किसी ग्रह के साथ जुड़ता है, अगर अच्छे ग्रह के साथ जुड़ गया तो बहुत अच्छा करेगा, अगर बुरे ग्रह के साथ जुड़ गया तो बहुत बुरा करेगा। इसका तो सिंपल सा फंडा है, जैसे अपने दुश्मन बृहस्पति के साथ अगर ये जुड़ गया तो इसने सिर्फ इंसान को उपदेशक बना देना है। कहने का मतलब कुछ समझ में आए ना आए लेकिन दूसरों को उपदेश देना, ऐसे इंसान की आदत हो जाती है। बेमतलब के ख्याली पुलाव बनाते चले जाना लेकिन ऐसे कि जिनसे कोई उपज ना आए, जो वर्डफुल ना हो, ऐसे थॉट जो दूसरों की समझ में ना आ पाए लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझना। और अगर ये मंगल के साथ हो जाए तो ऐसे में इंसान को गुस्सा चढ़ना, मेंटली प्रॉब्लम आना, नसों के अंदर दिक्कत आकर के हाथ पांव का टेढ़ा होना, ये सारी प्रॉब्लम दे जाता है। सबसे उत्तम ये होता है सूर्य के साथ। अगर सूर्य के साथ बुध बैठ गया तो फिर तो ये परमात्मा की दया से हर तरह से उत्तम जिंदगी बनाता है। सोच विचार और अपना शरीर दोनों इकट्ठे काम करते हैं, जिसके चलते हुए इंसान मेहनत करके जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच सकता है। और साथ ही शरीर के अंदर रोग कम से कम होते हैं। लेकिन सूर्य के साथ जुड़ करके इसकी एक खासियत बनती है बेटा, वो ये कि आखिरी समय जब आता है इंसान का तो बिना दुख पाए एक झटके के साथ चला जाता है, उसको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं सहने पड़ते। इसके विपरीत जब बुध का संबंध शनि के साथ हो जाए तो ऐसे में अगर शनि खराब है तो इंसान को बहुत तरह के रोग लग जाते हैं। ऐसे इंसान के शरीर की ताकत बिल्कुल धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है और इंसान एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारी के साथ ग्रसित होता चला जाता है और जोड़ों के दर्द उसको बहुत सताते हैं। फिर अगर बुध का संबंध राहु के साथ हो गया तो या तो इंसान इतने तेज दिमाग का होगा कि जिसके अंदर वो एक रिसर्चर बन सके, एक वैज्ञानिक बन सके, किसी भी चीज की खोज कर सके और जिंदगी के अंदर बहुत उत्तम रहे। लेकिन अगर ये खराब अवस्था के अंदर संबंध हो गया तो इंसान का दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता, डिप्रेशन के माहौल बनते हैं, बार बार धोखा खाता है और मूडी सा होकर के अपनों को कुछ नहीं समझता और अकेला जीवन व्यापन करने की तरफ चल पड़ता है और अपने जीवन साथी के अंदर भी खोट निकाल निकाल के अपनी जिंदगी को नर्क बना के रखता है।
और सबसे बुरे हालात पैदा होते हैं जब बुध के साथ केतु मिलता है। ये एक योग ऐसा है कि इंसान की अकल ही उसकी दुश्मन होती है, और ऐसी अवस्था के अंदर होता क्या है बेटा, इंसान दूसरे को कहता है मैं बहुत काबिल हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, और एक के आदमी सामने झुक भी जाएगा और झुक करके काम भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही उस इंसान के पास से दूर जाएगा उस इंसान का घमंड चरम सीमा पे होता है, और वो फिर कहता ये है कि मेरा जो मालिक है ना सही मायने में मुझसे एडवाइस लेके काम। और ऐसे लोगों को कमर पैर पेशाब वाली जगह से संबंधित भी दिक्कतें बहुत आती है और इनकी नसों में दिक्कतें आती है। ऐसा इंसान जिंदगी में कभी व्यापार नहीं कर पाता, और अगर करे तो बहुत जल्दी जल्दी करता है। तो बुध क्या, अब देखिए कितना बड़ा संबंध है हमारे शरीर के साथ, हमारी बुद्धि के साथ में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ में, और इसके साथ ही बुध के स्थान हमारे शरीर में कहां कहां है, नसों पर इसका प्रभुत्व है, हमारे दांत, हमारी जीभ, हमारा गला, ये सब बुध के ही स्थान है। और जब भी बुध खराब होगा तो इन सब हिस्सों में से कहीं पर भी प्रॉब्लम आ जाएगी, और अगर बुध अच्छा हुआ तो बेटा इनमें से किसी हिस्से में दिक्कत नहीं आती और इंसान जिंदगी में सदा ही खुशहाल रहता है। बातचीत गुरुदेव से आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जाने उनका आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले अगर आज के दिन अपने पेट का खास तौर पे ख्याल रखते हैं और बेमतलब का कुछ नहीं खाते पीते तो हर तरफ से दिन उत्तम है। परिवार की तरफ से भी सुख की काफी अच्छी अनुभूति रहेगी, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और कामकाज में मेहनत के अनुसार आपको सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम नहीं है, खास तौर पे अगर आप आज के दिन जिद्दी हो गए, क्योंकि आप हर काम अपने अनुसार करने की कोशिश करेंगे और जिसके चलते हुए घर परिवार में भी कोई ना कोई तनाव खड़ा हो सकता है, मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे और आपको परिवार की तरफ से मिलने वाले सुख के अंदर कमी महसूस होगी। कन्या राशि के लोग आज बेमतलब के वाद विवाद से अगर दूर रहे तो ज्यादा उत्तम होगा, फिर हर तरह से दिन उत्तम होगा, मित्रों का अच्छा साथ मिलेगा, यात्राओं का भी योग बना हुआ है वो भी हो सकती हैं, और कामकाज में मिला जुला फल प्राप्त होगा और परिवार का सुख सहयोग प्राप्त होगा। गुरुदेव आगे बढ़ते हुए एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, लखनऊ से छवि श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत है छवि। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त, जन्म का स्थान बताइए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। मेरा नाम छवि श्रीवास्तव है, मेरा जन्म 5 सितंबर 1998 में हुआ था, मैं 12 बजे हुई थी लखनऊ में। मैं अभी बीबीए कर रही हूँ और मैंने अपने आगे भविष्य के लिए सोचा है कि मैं एमबीए करूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वो मेरे लिए सही है, क्या मुझे आगे सफलता मिलेगी कि नहीं। बेटा जो तुम्हारी जन्म कुंडली है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्वभाव पर आधारित ही तुम्हारे पूरे भाग्य को तय करती है। शनि पांचवें घर का कभी भी स्थिर काम नहीं देता, नौकरियां देता है लेकिन ऐसी नौकरियां जिनके अंदर समय समय पर ऊपर काफी बदलाव हो। लेकिन दूसरा एक और योग है बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर, ये योग बहुत ही उत्तम है जो साफ तौर पे कहता है कि तुम बहुत लकी हो और तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और वाकई मैनेजमेंट से संबंधित नौकरी तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम है, ये बात सत्य है। लेकिन अब बात क्या है, अगर तुम्हारा स्वभाव गुस्से वाला, चिड़चिड़ापन रहा, लोगों के अंदर कमियां निकालने वाला अगर स्वभाव डेवलप हुआ तो तुम कहीं कामयाब नहीं होगे। इसके विपरीत अगर तुमने अपने अंदर धैर्य रखा, दूसरों का मन रखने वाली आदत अगर अपने आप में आ गई, यानी कि दूसरे को बुरा लग जाएगा ये सोच करके कुछ भी फालतू ना बोलना और किसी के कम किए हुए काम को भी पूरी तरह से अप्रिशिएट करना, अगर ये वाली कला तुम में आ गई तो तुम अपनी जिंदगी के अंदर बेइंतहा कामयाब होगी और फिर बढ़ती उम्र के साथ में तुम्हें इतना धन और इतना मान मिलेगा कि तुम्हारा बुढ़ापा बहुत ही खुशहाली भरा होगा। ये वाली कला तुम में आ गई तो तुम अपनी जिंदगी के अंदर बेइंतहा कामयाब होगी और फिर बढ़ती उम्र के साथ में तुम्हें इतना धन
और इतना मान मिलेगा कि तुम्हारा बुढ़ापा बहुत ही खुशहाली भरा होगा, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत अगर तुम्हारा घर कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा हुआ तो यह भी तुम्हारे भाग्य के लिए चोटकारक होगा। इसीलिए जो तुम्हारे घर का जो ग्राउंड फ्लोर है, जो मेन जमीन है, एक तो वो रोड के लेवल से नीचे ना जाए और दूसरा घर कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा ना हो, उसका ग्राउंड फ्लोर, इस चीज का तुम्हें खास ध्यान रखना है। और दूसरा, जितने ज्यादा काले रंग के कपड़ों से दूरी बना के रखोगी जिंदगी में उतना ही अच्छा रहेगा। और जितनी भी बाधा है वो मात्र एक योग के कारण है, मैं उसका उपाय देने जा रहा हूं बेटा। अगर ये उपाय कर लिया तो मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति उत्तम होगी, मां के हालात अच्छे होंगे, आगे जिंदगी में प्रॉपर्टी पैसे के सुख अच्छे मिलेंगे। और वो उपाय है, हर चंद्र ग्रहण पर तुम्हें 300 ग्राम साबुत बादाम, 300 ग्राम काले तिल, सफेद तिल यानी कि 150-150 ग्राम मिक्स करके वो रखने हैं तुम्हें, और साथ ही 300 ग्राम सरसों का तेल और 30 सिगरेट प्लेन जो बिना फिल्टर के होती है वो आपने लेनी है रजे, और 3 नारियल लेने हैं। इनको लेके एक ही जगह में सारा मिक्स कर देना, बल्कि तेल इन्हीं के ऊपर गिरा के अपने सर से 7 बार घुमा के चंद्र ग्रहण के मध्य के अंदर इन्हें जल प्रवाह कर। ये कोई भी चंद्र ग्रहण अगर तुम मिस नहीं करोगी तो अपनी जिंदगी में बहुत ही अच्छे स्तर पर पहुंचोगी। और दूसरा, जब भी किसी गरीब लड़की की शादी हो बेटा, उसके अंदर संदूक, ट्रंक, कुछ भी जो लोहे का बना हुआ है, अगर ये तुम दान देती रहोगी तो सारी जिंदगी तुम्हारी खुशहाली से बीतेगी। बस मात्र ये दो उपाय और तुम्हें जिंदगी के अंदर हर तरह के सुख मिलेंगे और तुम बहुत अच्छी कामयाब होगी। हाँ, ये बात अलग है कि पहले लिखाई पढ़ाई और बाद में काम जब मिलने की बारी आएगी तब तकलीफें बहुत आएंगी, लेकिन ये उपाय से ये तकलीफें सारी हट जाएंगी और तुम जिंदगी में अच्छा कामयाबी का स्तर पाओ। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक फेसबुक कॉलर पूनम आगरा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। गुरुदेव जी, जय माता दी। जी, मेरा नाम पूनम है और 6 दिसंबर 1985 मेरी जन्म डेट है। मेरा जन्म टाइम है 22:50 रात को और जन्म स्थान है उज्जैन। सवाल क्या है आपका? जी, मेरा ये सवाल है कि मेरा जो कॉस्मेटिक का मैंने काम डाला है करीब 8-9 महीने हो गए, वो बिल्कुल नहीं चल रहा है गुरुजी, और मेरे हस्बैंड का भी कोई काम काज नहीं चल रहा है। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली है तो काफी अच्छी, और जो खास तौर पे मेहनत करने के लिए और मेहनत करके किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम है, परंतु तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर अभी जो समय चल रहा है बेटा वो पूरा अच्छा नहीं है। उसके अंदर शुक्र और शनि यानी कि शुक्र के राहु की महादशा के अंदर शुक्र काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये चौथे घर में बैठा हुआ घर के अंदर के सुख शांति, समृद्धि, पति पति के सुख, इनके अंदर कमजोरी दे रहा है। और इस वक्त में खास तौर पे अगर तुमने अपने घर के अंदर किसी भी तरह की तोड़फोड़ करवाई या रिपेयरिंग करवाई या घर बदला या नया खरीदा तो ये खास तौर पे दवाइयों के लिए दिखते देगा, यानी कि घर में किसी न किसी की दवाइयां आएंगी, पैसे की जमा पूंजी के लिए ये खराबी के हालात बना देगा, घर के अंदर की सुख शांति को खराब करता चला जाएगा और घर में जितनी ज्यादा सीलन बढ़ती चली जाएगी उतनी ही तकलीफें देगा। तो इस वक्त में अगर अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में आपकी बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ी या घर में उनके साथ में कोई तनाव वाली स्थितियां बनी तो मामले खराब हो जाएंगे। इसका उपाय ये है, हर रोज दूध धुले चावल ये कौओं को खिलाना बेहद जरूरी होगा, और इसके साथ ही हर बृहस्पतिवार को 600 ग्राम चने की दाल लेकर के बेटा उसे मंदिर पे देना। मात्र इतना सौ उपाय करके देख लो, तुम्हारा कामकाज भी चलेगा, तुम्हारे पति का भी चलेगा, घर के अंदर कलेश बंद होंगे और पूंजी भी जमा होगी, मात्र इतने सौ उपाय करने पे। और अगर चाहती हो कि जिंदगी के अंदर कामकाज बहुत अच्छी तरक्की पे रहे तो बेटा घर में एक कुत्ता जरूर पालो, कुत्ता पालने के बाद तुम्हारी हर तरह की कमियां घर से खत्म हो जाए, दाता खुश है। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए कॉलर से बात कर लेते हैं। शिमला से हमारे कॉलर हेमराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। बेटे के बारे में पूछना है, 11/10/1992 है उसकी जन्म तिथि। जी, 11:11 का समय है, शिमला सुबह की है ना? हाँ जी, सुबह की। क्या जानना चाहते हो? प्रणाम गुरुदेव, मैंने आपसे पहले भी बात की थी तो दो उपाय बताए थे बेटे को लेकर के,
एक से 45 दिन तक गुड़ और गेहूँ बहाने का बताया था और एक मन का खाली मन का सोने का सोने मन का गले में धारण करके हर बुधवार को दूध के साथ धोना। हाँ जी दूध धोना। हाँ जी बच्चे का प्रश्न यही है कि इस बच्चे को ये मेहनत बहुत कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसको सफलता नहीं मिल रही। और बीटेक बच्चे ने किया है, इंजीनियरिंग से किया है बीटेक, तो मतलब इसको सफलता मिले और जिस तरह से प्रयास कर रहा है उसके लिए उपाय भी बताएं और आशीर्वाद। बेटा इसकी कुंडली परमात्मा की दया से बहुत अच्छी है, डरने की तुम्हें जरूरत है नहीं और ये बहुत अच्छी जॉब पे भी जाएगा और जिंदगी के अंदर अच्छा रहेगा। लेकिन बात यही है जो तुमने गुड़ गेहूं का उपाय किया है बेटा, उस गुड़ गेहूं का उपाय किए बिना इसका बेड़ा पार नहीं था। अब तो जो दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति है बेटा, 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को हर 6 महीने बाद खाना खिला दो पास, और वो जो सोने का फोकला मन का जो गले में धारण किया हुआ उसको हर बुधवार को दूध के साथ धोना ना भूले पास, एक ये और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान और माथे पर लगाए और सिर्फ कुत्तों की सेवा करता रहे। मात्र इतना सा उपाय करो बेटा और ये उपाय होने के बाद में जो इसकी वाकई में सक्सेस की डेट आ रही है वो आ रही है जब इसकी नौकरी लग जाएगी और वो है 9 मार्च 2018। 9 मार्च 2018 के बाद इसकी जिंदगी के अंदर कामकाज के लिए कोई बुरा वक्त नहीं बचेगा और परमात्मा की दया से ये जिंदगी में बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है बेटा, सुख से ज्यादा खुश रहे। देखिए बात, आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के बुरे योग से कैसे बचा जाए। गुरुदेव से आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। आज किसी न किसी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं, नए नए लोगों के साथ में संबंध भी स्थापित होंगे, परंतु परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और अपने शरीर में भी आपको आलस्य उसकी भी प्रधानता नजर आएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के दिन का समय तो उत्तम है जिसमें आपका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली भी बना रहेगा, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा दिन व्यतीत होगा, कामकाज में भी सफलता मिलेगी, परंतु शाम होते तक बेमतलब का कोई आरोप आपके ऊपर लग सकता है या कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है जो आपको विचलित कर दे और गुस्सा चढ़ाए। धनुराशि वाले आज हो सकता है कि किसी मांगलिक कार्य में शामिल हों, परंतु बाकी का दिन बहुत ज्यादा उत्तम दिखाई नहीं दे रहा। परिवार में या किसी अपने के साथ में कोई भी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है और घर में किसी न किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत भी हो सकती है, वे मतलब का वाद विवाद परेशानी का कारण बन सकता है। गुरुदेव बात आज हम बुध की कर रहे हैं, आपसे बात हो रही थी सेहत और सुंदरता भी बढ़ाता है क्या बुध, ऐसा कोई उपाय है महिलाएं विशेष तौर पर जानना चाहेंगी। ये बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि एक बुध ही ऐसा ग्रह है जो इंसान को बहुत ही सुंदर रूप देता है, साफ त्वचा देता है और इंसान को दिमाग का गुण और सुंदरता का गुण दोनों ही तोहफे में देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब यह खराब होता है तो इंसान की सुंदरता को भी खराब करता है और उसकी बुद्धि को भी खराब करता है, गुस्से की मात्रा को बढ़ाता है, डिप्रेशन के माहौल देता है। तो जो मैंने पीछे हालात बताए सारे, चाहे किसी भी तरह की खराबी हो, आपको उपाय एक ही बताऊंगा जिससे कि यह हर मुसीबत को दूर किया जा सकता है। और अगर सुंदरता से संबंधित भी दिक्कत आपको है, देखो जिनके तो जन्म कुंडली में बैठ गया वो तो ऑलरेडी सुंदर है, उनको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके वाकई में रूप में दिक्कत आ रही है और वाकई में बुध खराबी के ऊपर है उनके लिए उपाय ये, और चाहे कामकाज में चाहे बुद्धि में किसी भी तरह की दिक्कतें हों, ये उपाय बहुत ही कारगर रहेगा। और वो उपाय क्या है, एक कांसे की थाली लीजिए, कांसे की थाली के अंदर उसको पूरा देसी घान से भर दीजिए और ऊपर तक जैसे ढेरी लगा देते हैं इस तरह से कांसे की थाली में देसी घान भर दीजिए। उसके बाद देसी घी, गाय का देसी घी लेकर के उसको पूरा तर कर दीजिए देसी खान को और उसके ऊपर 12 कपूर की टिक्की वो रख दीजिए। उसके बाद इस थाली को लेकर के किसी बहते जल के पास में जाना और जाकर के थाली अपने हाथ में पकड़ के रखे, लेकिन ये देसी खान घी और जो कपूर की टिक्की है इनको जल प्रवाह कर दें और वहीं की मिट्टी लेकर के बेटा उसको अच्छी तरह से मांज के साफ करना है ताकि थाली के ऊपर से सारी चिकनाई उतर जाए और उस थाली को घर पे लेके आना है।
और उस थाली के अंदर आप खाना खाना शुरू करें। जो भी आपने खाना खाना है उस थाली को जरूर प्रयोग करते रहे धीरे धीरे करके। ये आपके जितनी भी बुध ग्रह से संबंधित दिक्कतें हैं इन सबको ये खत्म कर देगा। गुरुदेव, जिस तरह हर ग्रह की एक महादशा होती है, बुध की भी कोई महादशा होगी, और अगर महादशा है तो उससे प्रभाव कैसा पड़ेगा जिंदगी पर, क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? बेटा, बुध की महादशा 17 साल की होती है, और इसके अंदर जो खास चीज है, अगर बुध अच्छा तो वही 17 साल इंसान को फर्श से अर्श पे ले जाते हैं, और जिंदगी के अंदर इंसान अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से अपनी पूरी पहचान बनाता है। लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो पहले से अगर अच्छे हालात भी चले आए तो ये इंसान को उल्टा डुबो देता है, रोग दे देता है, बीमारियां तो है ही है, और उल्टा दिमाग के हालात ऐसे बना देता है कि जिससे कि दूसरों के साथ में सोच ही नहीं मिल पाती और प्लानिंग की बुद्धि खो जाती है। बुध की अगर महादशा आए और बच्चे के सोच समझ में, स्वभाव में एक बहुत बड़ा फर्क अगर आ जाए, और इलाज करने के बावजूद भी उसको कहीं से भी सुकून ना मिल रहा हो और उसके हालात अच्छे ना हो रहे हो, तो तब एक उपाय बहुत जरूरी होगा। और वो उपाय क्या है? ये बीच में से नाक छेदन करवाना, क्योंकि ये जो हमारा तालू है, ये यहां से जब हम नाक को पंचर करते हैं तो यहां पर की जो नसें हैं ये खुल जाती है, इनकी ब्लॉकेज ही बुध की खराबी होती है, और यहां पंचर करने से इस जगह खुलती है, और उससे स्वभाव भी, उससे शरीर भी, उससे प्लानिंग की बुद्धि भी, ये सारी अपने आप डेवलप होने लगती है। तो बुध की महादशा हो और खराब हो बुध, और किसी भी तरह के समझाने पर भी इंसान ना समझ पाता हो, तो उसको 96 दिन के लिए ये सोने की या चांदी की एक तार डाल के रखनी बहुत जरूरी है। और इसको कर लेने पे महादशा अगर बुध की चल रही है और वो खराब है तो उसको अच्छा किया जा सकता है। बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों का दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। इसके अंदर पढ़ाई करने वाले बच्चों का मन आज पढ़ाई के अंदर पूरी तरह से नहीं लगेगा। किसी व्यक्ति के सहयोग से या सहायता से लाभदायक फलों की प्राप्ति तो होगी, परंतु स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। हर तरह से परिवार का सुख मिलेगा। आज के दिन आपको अपनी मेहनत और समझदारी से जीवन को सुखमय बनाने में मदद मिलेगी। बड़ों का आदर सत्कार करने में आप आगे रहेंगे। हर तरह से खुशियों भरा दिन होगा। और इसी प्रकार मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार का हर तरह का सुख प्राप्त होगा, मन प्रसन्न रहेगा, मन में नया उत्साह और जोश दिखाई देगा, और कामकाज भी बहुत उत्तम रहेगा। गुरुदेव, बुध की महादशा आपने बताई, उसके उपाय भी बताए कैसे कर सकते हैं। अब बुध की सबसे बड़ी बुराई कौन सी है? बुध अगर खराब अवस्था में हो, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये इंसान को कमाने नहीं देता, इंसान का कोई काम नहीं चलने देता। इंसान मीठा बन के देख ले तो भी डुबोता है, इंसान कड़वा बन के देख ले उसे भी डुबोता है। और ये जब खराबी के ऊपर आ जाए और शनि के घरों में हो या शनि के साथ संबंध में हो, तो इंसान को खाली बैठाने का काम करता है, उसका कोई काम नहीं चलने देता। और एक वैसे ही कहावत है ना कि पहले समय में तो ये बोला करते थे कि इंसान का अगर नशा में ना बिका तो वो कुछ भी नहीं जीवन में कर सकता, ये बात सत्य है। और रियलिटी में जिसका बुध खराब हो जाए बेटा, उसके लिए दुनिया के अंदर कोई धंधा नहीं बना। और जितने भी लोग अपनी जिंदगी के अंदर सारी कोशिशें करके भी कभी किसी धंधे को नहीं कर पाए और किसी में कामयाब अगर नहीं हुए, तो उनको समझ जाना चाहिए कि उनका बुध खराब है। और इसका एकमात्र इलाज है बेटा, और वो इलाज क्या है कि जब भी आम का सीजन आए, उस वक्त में दो दुकानों से बराबर के आम लेने हैं, चाहे आप दो दो लो, चार चार लो, अपनी समर्था के अनुसार जितने मर्जी ले सकते हो, लेकिन दो दुकानों से बराबर के आम लेने हैं, और लेकर के वो घर नहीं लेके आने बेटा, वहीं पर गरीबों के अंदर बांटाने, और इस प्रकार से 43 दिन करना बेहद जरूरी है। और जिनका ये बुध खराब होता है बेटा, उनको हर साल 43 दिन ये उपाय करना बहुत जरूरी है। अगर ये वो उपाय करेंगे उसके बाद उनका धंधा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा की दया से ये बुध और शनि मिलकर के कृपा करेंगे
ये बुध और शनि की बुरी एनर्जी हट जाएगी और बाकी ग्रहों का जो असर है वो आपकी कुंडली पर प्रबल होकर के आपको काम जरूर देगा, अच्छी बुद्धि जरूर देगा और आपकी अच्छी वर्किंग को वो सामने लेके आएगा। तो ये उपाय करो बेटा, इस सबसे बुरे योग को अपने जीवन से आप स्वयं दूर भगा सकते। आगे बढ़े शो में, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत कर देते हैं। आप इंदौर से पंकज फुलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। 1 मई 1991 सवेरे 5:30 बजे राजस्थान करौली। मेरी ये समस्या है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अप्लाई किया है, तो मेरा सवाल यही है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा भी या मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। बेटा तुम्हारी कुंडली तो बहुत अच्छी है, लगन में बैठे हुए सूर्य कहते हैं कि हर तरह की हिम्मत, ना पिता से उम्मीद ना पुत्र से उम्मीद, अपनी ही मेहनत से अपने आप को काबिल बनाएगा, बात सत्य है। लेकिन लगन में बैठे हुए सूर्य तब तक काम नहीं करते अगर सातवां घर खाली हो, जब तक इंसान की शादी ना हो जाए। इसीलिए अगर जिंदगी के अंदर पूरी कामयाबी चाहिए तो शादी होनी पहले बहुत जरूरी है और तब कामकाज के लिए अच्छे हालात बनेंगे, पहली बात यह। दूसरी बात, तुम्हारी कुंडली के अंदर अष्टम भाव का बैठा हुआ केतु ये घर के अंदर एक प्रॉब्लम देता है, एक पितृ दोष दे देता है कि पिताओं को पुत्रों का सुख नहीं और भाइयों को भाइयों का सुख नहीं। और बढ़ती उम्र के साथ में जिंदगी के अंदर बार बार फ्लक्चुएशन के माहौल, कभी ऊपर कभी नीचे, ये झूले की तरह चलाता है। और अगर कहीं घर में पश्चिम दिशा की तरफ की रसोई बन जाए तो इंसान का पैसा भी बर्बाद कर देता है, घर के माहौल को खराब कर देता है और इंसान को घर छोड़ के यानी कि शहर छोड़ के भगाने का काम कर देता है। इसीलिए घर में कभी पश्चिम की रसोई ना बने। यतीसर, अब आ गया मेन ग्रह बृहस्पति, यही तुम्हारी कुंडली के अंदर पूरा खराब होने की वजह से ये तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर इसका उपाय नहीं हुआ तो बेटा कामयाबी के बहुत अच्छे योग बैठे होने के बावजूद भी कामयाबी नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हर साल काला सफेद कंबल ये लेकर के अपने सर से 7 बार उतार के इसको बेटा मंदिर में दो, और जितनी भी बार तुम्हारा मन करे हफ्ते में महीने में 8 केले लेकर के मंदिर में जरूर दिया करो, और राह चलते हुए इंसान को भी दान में दे सकते हो, केलों का दान तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। और हर बृहस्पतिवार को थोड़ी सी हल्दी की गांठ लेकर के या तो उनको जल प्रवाह करना या फिर उनको भी जाकर के मंदिर के अंदर देना, और इसके लिए तुम बृहस्पतिवार का दिन चुन लो तो सबसे उत्तम होगा, ठीक है। जितना ज्यादा तन पे फिर सोना धारण करोगे तुम्हें जिंदगी के अंदर उतने ही सुख मिलेंगे। जितना भाई और पिता का साथ रखोगे, अपने कजन ब्रदर्स का साथ रखोगे बेटा, जिंदगी के अंदर उतनी ही तरक्की होगी। लेकिन शुरुआत है जिस दिन शादी हो जाए उसके बाद कामयाबी के योग है, पहले नहीं। तो बेटा ये उपाय करो, जिंदगी के अंदर कामयाबी भी है और सरकारी नौकरी भी जरूर है, दाता सुख। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप मेल कीजिए, मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे लिखे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे आज का खास गुरु मंत्र जान लेते हैं। देखो बेटा, बेटा अगर बुध की बात हो रही है तो बुध से संबंधित ही हम गुरु मंत्र देते हैं। अगर आपके घर में बहन, बुआ, बेटी, इनको बार बार अगर शारीरिक कष्ट आते हैं या आपके घर के अंदर दांतों की समस्या है, यानी कभी किसी की जाड़े खाली और खोखली हो जाना, कभी किसी के दांत जल्दी टूट जाना, मसूड़ों के अंदर किसी तरह की बदबू का पैदा होना, इस तरह की अगर प्रॉब्लम है और पेट की नसों से संबंधित अगर दिक्कतें ज्यादा है तो फिर घर के अंदर कामकाज भी कभी पूरी ज्यादा अच्छे नहीं चलेंगे। इसके विपरीत इंसान का रुझान ये कला की तरफ ज्यादा होता है, गाने बजाने की तरफ ज्यादा होता है, गाने सुनने की तरफ ज्यादा होता है, और कोशिश इंसान ये स्वयं भी करता है कि वो गाना गाए, घर में कोई ना कोई ऐसा शौक का मालिक जरूर होता है।
ये बुध की खराबी के योग होते हैं बेटा। और ऐसे में अगर घर के अंदर हरा रंग ज्यादा हो या शंख सीप कौड़िये ढोलकी तबला सितार गिटार मनी प्लांट रबड़ प्लांट तुलसी अगर ये चीज घर में ज्यादा हो तो ये बुध की खराबी लगातार बढ़ी रहती है। एक सबसे अहम बात, जिन लोगों के दांत जल्दी टूटते हैं, जिन लोगों को मसूड़ों से संबंधित बहुत जल्दी जल्दी दिक्कतें आती हैं, जिनकी पेट की नसें खराब रहती हैं और गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम जिनको ज्यादा होती है, वो लोग जितना ज्यादा तुलसी का प्रयोग करेंगे उनकी तकलीफें और बढ़ेंगी। इसीलिए ऐसे लोगों को तुलसी रस और तुलसी का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत ये चीजें जो मैंने अभी बताई है ये घर में नहीं होनी चाहिए, इनसे बचाव करते रहें। अब इसके विपरीत करना क्या चाहिए, जो मैंने कांसे की थाली वाला एक उपाय बताया बेटा कि कांसे की थाली में देसी खांड भर के देसी घी से उसको तर करके और 12 कपूर की टिक्की ऊपर रख के उसको जल प्रवाह करो। इन लोगों को ये कार्य, सेम थाली वही रहेगी लेकिन देसी खांड और देसी घी और कपूर की टिक्की हर 3 महीने बाद उसी थाली में भर के उनको जल प्रवाह करके वही पर 2-3 बार वही की मिट्टी से मांझ के चिकनाई हटा के घर पे ला करके उसी को प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ये घर का अगर हर मेंबर कर ले तो सबसे उत्तम। तो बेटा बुध को अच्छा रखो, सारी जिंदगी अच्छी रहेगी। बुध को अच्छा रखा तो स्वास्थ्य अच्छा, बुध को अच्छा रखा तो धंधा अच्छा, कामकाज अच्छा, और बुध को अच्छा रखा तो दुनियादारी के साथ व्यवहार अच्छा, तो सबसे उत्तम। तो बेटा बुध को अच्छा रखो, सारी जिंदगी अच्छी रहेगी। बुध को अच्छा रखा तो स्वास्थ्य अच्छा, बुध को अच्छा रखा तो धंधा अच्छा, कामकाज अच्छा, और बुध को अच्छा रखा तो दुनियादारी के साथ व्यवहार अच्छा, तो यानी कि सब कुछ देने वाला बुध ही हो गया। तो इसीलिए अगर ये समस्या है तो ये उपाय करो, नहीं तो परमात्मा की दया से सिर्फ गेंदे के फूल लेकर के अपने इस देव को अर्पित करते चले जाओ, जिंदगी सदा ही खुशहाल रहेगी और दाता सदा ही सुख बख्शेगा। तो आज का शो देखने के बाद आपको अपनी कुंडली में बुध से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान जरूर मिल गया होगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते।